हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी हम देख रहे हैं मूवी, और आज ही जाएंगे घर थोड़ी देर बाद। बट और हमने अभी नाश्ता भी कर लिया, चाय बिस्किट। Here's 295 by Sidney Musiwala on Amazon Music. बजा। मुझे तो ना अभी शुरू था। अरे लगा मर गया तो। अभी वही है, ये वही है। Guys, इसको देखो। यह है मोटी, means है खरगोश। बस इसको प्यार से मोटी बोलते हैं। ओह वो। भाई डरा दिया इसने। डरा के खुद अपना शांति से सफाई कर रही है। हमरा सब सेव कर ले। वो हम इतना करेंगे अपना के गाल छोटे तुम से। देखो खेल दिए फाड़ दिए। छुआ छुआ तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ घर। अभी बजे शाम के 5:30 और पापा आ गए लेने। और बारिश भी हुई आज, दिख रहा होगा शायद वायर्स पे ड्रॉप्स, बारिश की बूंद है। ओ विराट बुड्ढा हो रहा है। गाइज मैं घर पे आ गई हूँ, कब की आ गई थी। और अभी मैंने पढ़ाई की थोड़ी सी, और कल के लिए डिसाइड कर रहे थे कि कल है रिपब्लिक डे, सो क्या करेंगे। तो हमने सोचा है ना, वो कल आपके लिए सरप्राइज होगा जो सोचा है, ठीक है। तो हम घर पे ही अपने छत पे झंडा फहराएंगे। तो कल का दिन देना बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, तो कल देखना मत भूलना। तो अभी हम जाएंगे ऊपर छत पे तैयारियां करने। अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई, मम्मी ने बोला कि ये मतलब बाद में पढ़ने के, ताकि ना आज का काम जो भी है ज़्यादा रात ना हो, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी भी उठना है। सो अभी इतना फैल रखा है, देख ही रहे होंगे, तो इसको भी साफ़ करना है और फिर ऊपर जाके तैयारी भी करनी है कल के फ्लैग होस्टिंग की। मैं भर लो पानी जो शहीद हुए थे उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। अभी मैंने इतना किया है, साथ में ये भी किया है और सफाई भी कर ली है। उसके बाद का कार्यक्रम थोड़ी देर बाद। अभी चुलबुल और आचल लानेंगे थोड़ा इक्विपमेंट जो भी हमें चाहिए। और रवि और डब्बू तो इधर आए नहीं है, मींस वो अमित भैया के घर पे ही, हम मैं आचल और विराट आए थे, विराट सो गया। तो हम ही सजाएंगे, मन तो था। डब्बू होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है,
रवि तो कुछ करता नहीं है, वो पता नहीं आलसी के जैसे पड़ा रहता है। तो डब्बू होता तो वो ज़्यादा मज़ा आता। मैंने बोला भी आ जाए कल सुबह सुबह, बट वो बोला नहीं, मतलब कुछ और प्लान होगा उनका, क्या पता। जो अभी हमने इतना कर लिया है, सही हुआ है, कल देखना, कल सुपर्ब लगेगा। तो गाइज हमारे पास ऑरेंज कलर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने ना रेड और येलो को मिला दिया, और ये देखो ये सैफ्रन कलर बन गया। तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैग बनाने में। तो गाइज अभी ऊपर सब कुछ कर लिया, और बाकी का जो काम है पेंडिंग वो कल सुबह ही करेंगे। और कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।